फाइनली 17 दिसंबर एंड या नरूटो के बारे में 3 मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिली। अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है मेरे भाई तो उसको थोड़ा कम कर लो। आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। तो या सारे अनाउंसमेंट हमारे सामने हैं, हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करके रखे हो। अगर ऑलरेडी कर लिया तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन जिसका लिंक ऑलरेडी आ चुका था, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा था। यस, इट्स ऑल अबाउट सास्के रेटसुड एंड मांगा जिसका एनिमे एडेप्टेशन होने वाला है एंड फर्स्ट एपिसोड हम लोग देखने वाले हैं 8 जनवरी को। सास्के एनिमे एडेप्टेशन की जो की विजुअल है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया, व्हिच इज सो गुड। अब यहाँ पर तुम्हें से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल गया कि इट्स पार्ट ऑफ बोरुटो, बोरुटो के पार्ट, एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है। अब मैं उनको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, सास्के रेड स्टूडेंट के अंदर इतने सारे चैप्टर नहीं कि एक अलग सेपरेट एनिमे बनेगा, अगर बना भी देते तो बहुत सारे फिलर घुसा देते जो अच्छा नहीं लगता तुम लोगों को। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे थे जो सास्के रेड स्टूडेंट है उसके अंदर ज्यादा चैप्टर्स नहीं तो मूवी क्यों नहीं बनाया। ब्रो यहाँ पर तुमने अगर चैप्टर सच्ची में रीड किया होगा तुमको शायद पता होगा ये मूवी बनाने जैसे चैप्टर्स नहीं है। और यहाँ पर पर्सनली मेरे को जो लगता है कि ये बोरुटो के अंदर क्यों डाला गया है उसके पीछे तो रीजन ऑलरेडी बता दिया कम चैप्टर्स है, बट उसके साथ साथ जो मेरे को लगता है कि देखो बोरुटो का जो रेटिंग है बहुत ही ज्यादा कम है तो ये जो चैप्टर जब एनिमेट होंगे जब दिखाए जाएंगे एकदम से लोग तो ऑफकोर्स देखेंगे बिकॉज मांगा ने रिकॉर्ड 4 के रखा है। तो यहाँ पर बोरुटो की जो रेटिंग है वो थोड़ा ऊपर चलेगी, बोरुटो को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है, बोरुटो एनिमे शायद बहुत सारे लोग स्टार्ट भी करेंगे, उसके साथ साथ जो लोग होल्ड पे रखे थे ड्रॉप करके रखे थे तो तुम लोग बोल सकते हो एक स्ट्रेटजी के अंदर है जिसके थ्रू बोरुटो को प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पर सास्के रेड स्टूडेंट को यहाँ पर डालने के पीछे एक और रीजन है जो मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो। और यहाँ पर जो फर्स्ट अनाउंसमेंट है वो ये है कि सास्के रेड स्टूडेंट बना भी पार्ट ऑफ बोरुटो। बोरुटो एनिमे के अंदर जो एपिसोड 282 एंड 283 है उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं सास्के रेड स्टूडेंट। 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है, बस कुछ 6 दिन बाकी है मेरे भाई। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे बस 2 एपिसोड मेरे भाई यार क्यों, बट ट्रस्ट में जितना भी मिलने वाला है तुमको काफी अच्छा मिलने वाला, तुम इंजॉय करने वाले हो। बस यहाँ पर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि भाई प्लीज एनिमेशन थोड़ा अच्छा करो यार, बिकॉज हम लोग सास्के को ऑफ कोर्स भाई रिनेगन को यूज करते हुए देखने वाला है जो एकदम दिमाग हिलाने वाला है। यार बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट अनाउंसमेंट। अभी बात करते हैं सेकंड वन। सेकंड अनाउंसमेंट मेरे को सच्ची में अच्छा लगा, बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट था। नरूटो के जो टॉप 99 कैरेक्टर्स है एकदम से तो तुम लोग वोट कर पाओगे 99 कैरेक्टर्स में तुमको क्या अच्छा लगता है, कौन सा कैरेक्टर तुम्हारा फेवरेट है, कौन सा कैरेक्टर तुमको बढ़िया लगता है, तुम्हारे वोटिंग के थ्रू लोग डिसाइड करेंगे। तो सारे वोटिंग्स खत्म होने के बाद जो टॉप 20 कैरेक्टर्स होंगे जो टॉप पे होंगे एकदम से ज्यादा वोटिंग्स मिली होगी उन लोगों को, आई मीन उन कैरेक्टर्स को, वो सारे कैरेक्टर्स के इलस्ट्रेशन खुद हमारा किशिमोटो ड्रॉ करने वाला है एंड दैट्स द सेकंड अनाउंसमेंट। बट इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और है जो टॉप 1 कैरेक्टर होगा जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग मिलेगी ऑडियंस की तरफ से, नरूटो फैंस की तरफ से, उनका एक शॉर्ट मांगा निकाला जाएगा, एक सेपरेट मांगा उस कैरेक्टर का जो कैरेक्टर एकदम टॉप में रहेगा, सबसे ज्यादा वोट मिलेगी जिस कैरेक्टर को। तो वोटिंग आज से खुला है, तुम लोग जाके एकदम से वोट कर दो, तुम लोगों को सबसे ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर कौन सा लगता है एंड तुम्हारे वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कैरेक्टर को अलग से एक मांगा मिलने वाली है। और आज से लेकर जनवरी के एंड तक ये वोटिंग चलने वाली है, तो मेक श्योर कि तुम लोग वोट कर रहे हो। अब यहाँ पर सारे लॉन्डे बस जाके इटाची का वोट करेंगे, मैं पक्का श्योर हूँ भाई। चलो यहाँ पर तुम लोग कमेंट भी बता दो किसका शॉर्ट मांगा तुम लोग देखना चाहोगे इन फ्यूचर। और तुमको पता है मांगा आने के साथ साथ यार उसका एनिमे एडेप्टेशन भी होने वाली है फॉर श्योर, जैसे सास्के रेड स्टूडेंट मांगा हुआ एंड उसके साथ साथ एनिमे एडेप्टेशन कितनी जल्दी आ गई, तो या सोच के वोट करना बिकॉज उसका एडेप्टेशन भी तुम लोग इन फ्यूचर देखोगे। यहाँ पर जो सेकंड अनाउंसमेंट है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सही था यार। अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड अनाउंसमेंट के बारे में, जो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ। ओके दैट वॉज नाइस एंड या इट्स अबाउट बोरुटो, बोरुटो सीरीज, बोरुटो का जो कोड आर्क है जो मैं रिव्यू करता हूँ, बोरुटो का मंथली जो मांगा रिव्यू मैं लाता हूँ, कोड के बारे में बातचीत करता हूँ, वो जो आर्क है वो एनिमेशन में फाइनली हम लोग देखने वाले, वो स्टार्ट होने वाले फेब्रुवरी में। 2 महीने के अंदर हम लोग देखने वाले कोड आर्क मेरे भाई, आई मीन 2 महीने से भी कम टाइम बाकी है, ट्रस्ट मी भाई ये बहुत ही खतरनाक आर्क है। मैंने मांगा रिव्यू करके रखा है, यकीन नहीं होता, मैंने मांगा रिव्यू देख लो, इतना बढ़िया फाइट होने वाली है, इतने सारे अच्छे मोमेंट्स तुम लोग देखने वाले हो, न्यू कैरेक्टर्स को तुम लोग देखने वाले हो एंड मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि यार ये बोरुटो का फिलर विलर जो चल रहा है यार इन सबको हटा के प्लीज यार मांगा के एनिमे एडेप्टेशन लाओ यार, मांगा से अडॉप्ट करो यार, बट फाइनली चलो इट्स हैपनिंग। अभी यहाँ पर जो मैं शुरू में बोल रहा था और सास्के रेड स्टूडेंट, देखो इसका टाइमिंग कितना अच्छा, सास्के रेड स्टूडेंट का फर्स्ट एपिसोड हम लोग देखेंगे 8 जनवरी को, ठीक है, एंड ये खत्म होने के कुछ ही टाइम के अंदर, मतलब जो सास्के रेड स्टूडेंट न्यू ऑडियंस आके देखेंगे ना वो खत्म होने के कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही दिन के अंदर शुरू हो जाएगी कोड आर्क, न्यू ऑडियंस को एकदम बोरुटो कैच कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा आराम से भाई, टाइमिंग वाज परफेक्ट। नरूटो वालों ने, एक बोरुटो वालों ने अच्छा खेल लिया इस साइड से, बिकॉज उसके बाद फाइट ही फाइट है, सारी चीजें महंगा से लिए जाएंगे तो रेटिंग थोड़ा ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स। आप यहाँ पर जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनाटो का पास्ट जनरेशन दिखाया जाएगा, मार्डर सडनली बोलने वाला है दिस वॉज योर ड्रीम नरूटो उज़ुमाकी वेक अप टू रियलिटी, डिसअपॉइंट हो गए ना, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक साइड से खुश हूँ कि चलो यार मेरी प्रेडिक्शन ठीक हो गई, सास्के रेड स्टूडेंट है इंक्लूडेड है ब्रो, बट यार मैं भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट डीप डाउन मेरे को पता था यार शॉक
होने वाला हूँ मैं, बट या इट्स ओके। कल वन पीस की तरफ से भी अनाउंसमेंट आने वाली है, कुछ और अनाउंस करने वाले उसके बारे में, कुछ अगर बढ़िया कुछ हो तो मैं वीडियो बना दूंगा। बट 17 दिसंबर, जिसके लिए सब लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नरूटो वाले हाइप बना के रखे थे, उनके अनाउंसमेंट में इतना ही था जितना मैंने बताया। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग सेटिस्फाई हो या फिर नहीं, तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो सब लोग मिलके मेरे भाई एक साथ दबा दो लाइक बटन, बिकॉज तुम्हारा लाइक रेशियो देख के पता चले तुम लोग एनिमे रिलेटेड वीडियो इंजॉय करते हो या फिर नहीं। अगर चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम लोग हर जगह, मेक श्योर कि तुम लोग आ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।